कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का अपनी पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जारी है। पहले राजेंद्र गुड्डा ने जो है कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और शिवसेना का दामन था वहाँ। हालांकि राजेंद्र गुड्डा की ओर से भी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए गए थे। सदन में लाल डायरी का जिक्र राजेंद्र गुड्डा की ओर से किया गया था और साथ ही साथ आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस राज्य में महिला उत्पीड़न के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद जिस तरह चंद्रराज सिंह भी जो कि शिवसेना के प्रांत प्रभारी है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुड्डा जो है शिवसेना का दामन थाम रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के कई और नेता भी जो है बीजेपी का दामन और शिवसेना का दामन थामेंगे। हालांकि अब जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो लगातार जो है अलग अलग पार्टियों का दामन थामने में लगे हैं। ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामा दिल्ली में कल। जिस तरह अरुण सिंह जो कि प्रभारी हैं राजस्थान के बीजेपी से, सीपी जोशी, उन्होंने पदभार ग्रहण कराया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी ओर से मुलाकात की गई। हालांकि सिलसिला यहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि बीजेपी का अब कहना है कि और भी बड़ी लिस्ट है जिसमें कई चेहरे हैं जो है बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। कई नेताओं की जो है नाराजगी कांग्रेस में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस रिपीट करने की बात कर रही है, लेकिन वहीं मन मिटाव और जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वेणुगोपाल और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे, लेकिन एकजुटता दिख नहीं रही है। लोकसभा पर्यवेक्षक जिलों का दौरा करते हैं, वहाँ भी दावेदारों के जो कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है बिखरी हुई सी नज़र आ रही है। कई और चेहरे भी हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर लगातार बीजेपी सेहतमारी की कोशिश भी करने में लगी है। अब जिस तरह एक के बाद एक जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। ज्योति मिर्धा ने जिस तरह बीजेपी का दामन थामा और आरोप लगाए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे लेके जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस विपरीत दिशा में जो है काम कर रही है। यहाँ पर महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो है सुनवाई नहीं हो रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। तो लगातार जिस तरह कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और अपनी जाते जाते जो है कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम भी यहां किया जा रहा है। बहरहाल मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं तालमेल बैठाने की, लेकिन कांग्रेस में तालमेल बिठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो जो है बीजेपी का दामन थामने में लगे हैं। इससे पहले भी जिलों के जो कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो सरपंच हो, पूर्व प्रधान हो, उनकी ओर से भी बीजेपी कार्यालय में आकर जो है उनकी सदस्यता ग्रहण की गई थी। बहरहाल कांग्रेस तो लगातार कोशिश करने में लगी है, एक जाजम पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक जाजम पर लाने की कोशिश पूरी तरह से फैल होती जा रही है। बहरहाल शीर्ष नेतृत्व मंथन तो करने में लगा है, लेकिन दूसरी ओर जो है कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी का दामन थामने में लगे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री कैसे नेताओं को मनाएंगे, क्योंकि मनमुटाव और मतभेद की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पास में है और कांग्रेस के लिए ये नुकसान साबित हो सकता है, जिस तरह कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कई और बड़े चेहरे हैं वो भी जो है बीजेपी का दामन थामेंगे और जल्द ही लिस्ट बहुत लंबी है। इन लिस्ट में हालांकि नामों का खुलासा उनकी ओर से नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरह दिव्या मदेरणा ने भी नाराजगी व्यक्त की थी तो माना जा सकता है कि बीजेपी जो है दिव्या मदेरणा से भी संपर्क कर सकती है। ऐसे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा कि जो नाराज नेता हैं कांग्रेस के उनको वक्त रहते मना लिया जाए, नहीं तो विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।